असलमकुम कैसे हो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त खैरियत से होंगे दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हकीम अब्दुल कादिर में दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए नए नए नुस्खे लेकर आता रहता हूँ आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार लाजवाब नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जो आज का हमारा नुस्ख़ा है वो है माजून जियान खास यानी माजून जरियान खास किन बीमारियों में काम आता है माजून जरियान खास के क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और क्या क्या परहेज़ करने हैं दोस्तों ये जरियान पेशाब में धात जाना कतरे जाना इन बीमारियों में काम आता है दोस्तों आज की वीडियो में हम मुकम्मल जानेंगे कि माजून जियान खास को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किन बीमारियों में काम आता है और क्या क्या परहेज़ हैं दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को मुकम्मल देखें स्किप ना करें क्योंकि बीमारी में जो भी हम दवाई इस्तेमाल करते हैं उसका परहेज़ करना उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना ये ज़रूरी है अगर दवाई के तरीक़े से हम इस्तेमाल नहीं करेंगे परहेज़ नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा नुकसान भी हो सकता है तो दोस्तों इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल देखें सही तरीके से सुने और तरीक़ा भी समझें इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें और मुकम्मल सुने इसमें आप इनशाला मुकम्मल जानकारी पाएंगे माजून जिरीन ख़ास किन किन बीमारियों में काम आता है और किन बीमारियों में किस तरीके से परहेज़ करना है चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और घंटी का जो बटन है उस पर प्रेस पर लाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए इससे होगा कि हमारी आने वाली वीडियो यानी आने वाला नुस्खा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करेगा चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जिन भाइयों को ये बीमारी है जिनके पेशाब में धात जाती है पेशाब से पहले कतरे जाते हैं या पेशाब के बाद कतरे जाते हैं या चिपचिपा पानी जाता है या बिल्कुल धात जाती है या जब हमारा आजाई तनासल तनाव पे आता है तो चिपचिपा पानी जाने लगता है या एहतलाम ज़्यादा होने लगता है इस मरज़ में ये काफ़ी अच्छी और मुफीद दवा है जिन भाइयों को ये बीमारी है ये परेशानी है उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उनके लिए हम लेकर आए हैं माजून जिरियान खास उन भाइयों को करना क्या है अब जरा तरीक़ा अच्छी तरीके से समझ लीजिए आपको लाना है माजून जियान खास ये एक किलो तक भी आता है डेढ़ सौ ग्राम में भी आता है ढाई सौ ग्राम में भी आता है आधे किलो में एक किलो में भी आता है आप अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग इसको लेकर आए यानी आपको ये डिब्बा जो इस्तेमाल करना है तकरीबन कम से कम दो महीने ये दवाई इस्तेमाल करनी है अगर आपको बीमारी ज़्यादा है अगर थोड़ी बहुत ये है तो आप एक या दो डिब्बा इस्तेमाल कर लें छोटे और अगर आपको बीमारी ज़्यादा हैं तो बेहतर होगा आप एक किलो का डिब्बा ले आएँ या आधा किलो का डिब्बा एक ही बार ले आएँ इसमें आपको छूट के साथ मिल जाएगा और आधा किलो का डिब्बा कम से कम चार से या साढ़े चार या पाँच सौ तक ही आएगा चलिए दोस्तों आप इसको माजून जिरियान खास ये किसी भी जो यूनानी दवाई जहाँ पर देसी दवाई मिलती हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा आप माजून जिरियान खास लेकर आइए और आपको इस्तेमाल किस तरीके से करना है ये समझ लीजिए दोस्तों सुबह में खाली पेट आपको आधा चम्मच जो हमारा चावल खाने वाला चम्मच जो होता है वो आधा चम्मच सुबह खाली पेट दूध के साथ लेना है और आधे घंटे के बाद नाश्ता करना है शाम को दोस्तों हमें सोते वक्त खाना खाने के तकरीबन दो घंटे बाद आधा चम्मच दूध के साथ हमें खाना है रेगुलर कंटिन्यू खाना है छुट्टी बीच में बिल्कुल नहीं करनी दोस्तों अब समझ लीजिए हमें क्या क्या परहेज़ करना है परहेज़ बहुत ज़रूरी है परहेज़ हमें चाय बिल्कुल नहीं पीनी हमें गोश्त नहीं खाना किसी भी छोटे का बड़े का कोई गोश्त नहीं खाना गर्म मसाले नहीं खाने उड़द की दाल जो बादी होती है वो नहीं खानी और हमें तली हुई चीज़ें जैसे समोसा पकौड़ी जो भी तली हुई चीज़ें होती हैं ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी नॉर्मल साधारण खाना खाने जब तक हम बिल्कुल फिट नहीं हो जाते दोस्तों इस परहेज़ के साथ आप सुबह शाम दवाई खाइए जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे फिर दवाई मत खाना जब तक आपको इस्तेमाल करनी है तब तक आप मुकम्मल ठीक ना हो जाए इन आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे परहेज के साथ दवाई खाया करें उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों वीडियो को शाय शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अच्छा सा एक कमेंट लिख लीजिए जो आपके मन में हो जो आपको जरूरत हो वो मालूम कर सकते हैं मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक और नए नुस्खे के साथ